मैं सीलमपुर रेड लाइट के पास आ रही थी, मैंने रिक्शा करा, रिक्शे में थोड़ी दूर चल के एक आदमी बैठा और मैं इतना गोल्ड पहनी हुई थी, तो उसने फिर छुरी दिखा के मुझसे गोल्ड सारा लिया, मेरा पर्स भी लिया, छुरी मेरे पेट में लगा रखी थी। वो चुप भी रही थी, मुझे तो वो मतलब निगाह से नहीं हट रही कि क्या हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरे साथ हुआ तो और लोगों के साथ ना हो। मेरी इस धुंधली तस्वीर को बिना लाइट के इस वक्त आप अपने स्क्रीन्स पर जिस तरह से देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये थाना सीलमपुर का इलाका है। अगर पीछे की तरफ से आप देखें तो गाड़ियां जो हैं वो सीलमपुर की लाल बत्ती से आपको तेज़ी से मौजपुर की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन डार्क स्पॉट इतना है कि अगर रोड के इस साइड पर देखें और मेरे फेस को देखना चाहें तो आपको नहीं नज़र आएगा। इक्का दुक्का किसी गाड़ी की लाइट अगर चेहरे पे पड़ जाए तो आप देख पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। दिखाने का आपको मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग देखें और समझें, दिल्ली में ऐसे न जाने कितने ही डार्क स्पॉट्स हैं, इतने न जाने कितने अंधेरे के इलाके हैं जहां पर वारदात को बेखौफ बदमाश अंजाम दे रहे हैं। इतने अंधेरे को अगर रात के उजाले में नहीं तब्दील किया जाएगा और ना ही इस वक्त में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाई जाएँ, ना उस वक्त इन जगहों को कवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे या पीटीजेड कैमरे लगाए जाएं, तो वारदातें या जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए नामुमकिन ही साबित होगा। एक महिला अपने भाई के साथ कार में बैठकर आती हैं, भाई उनको इसी रेड लाइट के पास ड्रॉप करता है जहाँ ये पुलिस बूथ भी आपको दिखाई दे रहा है। ये थाना सीलमपुर का ही पुलिस बूथ है और इसके ऊपर आपको एक सीसीटीवी कैमरा भी दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन होता क्या है कि भाई बहन को घर भेजने के लिए कार से उतारकर रिक्शा में बिठवाते हैं और जिस वक्त लेकर जाते हैं तो रिक्शा में पहले ही से बैटरी रिक्शा में एक सवारी बैठी हुई थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही जैसे इस डार्क स्पॉट के इस पुलिस बूथ के पास करीब पहुँचते हैं तो ना यहाँ पर कोई पुलिस वाला, ना किसी तरीके की पिकेटिंग या बैरिकेटिंग और कोई भी ड्यूटी पर तैनात नज़र नहीं आया। मौके का फ़ायदा जो उठाया है उस लुटेरे ने, तुरंत चाकू उस महिला के रखा और उसके बाद में हाथों से उसके कड़े यानी कंगन उतरवा लिए, उसकी जो रिंग्स थी अंगूठियां वो उतरवा ली, ईयर रिंग्स जो कान की बाली थी वो उतरवा ली और उसके अलावा जो चेन थी पेंडेंट वगैरह वो सब उतरवा लिया। टोटल सोने के गहने उस औरत से लूट किए गए और उसके बाद फिर वो शख्स फरार हो गया। यानी चाकू की नोक पर बिल्कुल इसी पुलिस बूथ के बाहर जिस तरह से लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, 392 सेक्शन के तहत FIR तो दर्ज कर ली गई है लेकिन जो 92 बनाई गई है वो निश्चित तौर पर सोची समझी साजिश हो सकती है उन बदमाशों की जो इसी रोड पर इस डार्क स्पॉट का फ़ायदा उठाते हुए, यानी इस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से गुजरते होंगे। मेरे दाईं तरफ भी और बाईं तरफ अगर रोड के दोनों हिस्सों को आप देखें तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि इस तरफ भी और उधर भी लाइट नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है ये सोचने वाली बात है। और क्या इसके अंदर पुलिस का कोई जिम्मेदारी या कोई दायित्व नहीं बनता कि जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं कम से कम उसको आइडेंटिफाई करके जो मकामी MLA या काउंसलर्स हैं उनके ज़रिए स्ट्रीट लाइट्स का या हाई मास लाइट्स का इंतज़ाम कराया जाए। पूरी तरीके से अंधेरे में सरपट गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, जो गाड़ियों की अपनी लाइट जलती हुई आपको हेडलाइट्स की नज़र आ रही है, बस इतनी ही लाइट है। बहरहाल जो महिला के पति हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मेरी मिसेज सीलमपुर रेड लाइट पे मेरे साले के साथ आ रही थी, उन्हें ड्रॉप किया, उसके बाद उन्होंने टेलीफोन किया मेरे छोटे बच्चे को, वो स्कूटी लेके वहाँ पहुँच गया। उसके बाद क्या होता है, वो स्कूटी मेरी स्टार्ट नहीं होती है किसी वजह से और वहाँ बैटरी रिक्शा खड़ा था जिसमें एक आगे से ऑलरेडी पहले उसमें बैठा हुआ था जो वो एक लुटेरा था, और वो अकेली रिक्शे में यहाँ आई। जैसे ही अंधेरा आया पुलिस बूथ से पहले सीलमपुर दिखाएंगे कहां तक, सीलमपुर बूथ के पास यहाँ जहाँ सारा अंधेरा है यहाँ आई वो, और जैसे रिक्शा उनका यहाँ रुका तो वो जो आगे बैठा था पैसेंजर उसने निकाल के छुरी लगा ली एकदम, और उनसे कहा सारी ज्वेलरी जितनी भी है वो दो वरना एकदम छुरी पार कर दूंगा। लिहाजा उनके पास जो भी ज्वेलरी थी वो कड़े थे, चेन थी, अंगूठियाँ थी और पर्स के अंदर 30,000 रुपये समथिंग थे, वो सारे ही लूट लिए। और उसके बाद वो रिक्शे से वहाँ से उतर गया और उस रिक्शे वाले ने एक्स ताज के ऊपर मिसेज को मेरी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अब उस रिक्शे वाले का ना पता क्यों, क्योंकि यहाँ पूरे
सीलमपुर रेड लाइट से और यहाँ तक अंधेरा है। दूसरी बात, कोई भी दिल्ली सरकार का कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है, जिसकी मैं कंप्लेंट ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने 100 नंबर कॉल की, कॉल करने के बाद जाफराबाद SHO और सीलमपुर पुलिस यहाँ पहुँची और उन्होंने मुझसे कहा कि मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं आप। मैंने हाँ जी मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, ताकि किसी और के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ है। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस, दोबारा बोलिए, जब भी तो लाइव नहीं किया मैंने, मुझे पता था आप फंबल मारेंगे। चलिए, मेरी दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि और हादसे होने या बंद हो जाएं। इलमपुर की लाल बत्ती पे मेरे भाई ने उतारा, भाई ये बेटा लेने आ रहा था मुझे, बेटे की स्कूटी ख़राब हुई, मैंने रिक्शा करा, थोड़ी देर चल के एक लड़का बैठा, फिर उसने यहाँ पुलिस बूथ पे आन के ना बोला कुछ है दे, मैंने कहा शायद ये सवारी है, खुले पैसे मांग रहा है। तो मेरे हाथ में पैसे भी थे, बटुआ भी था कि ये नहीं, मैंने कहा भैया फिर क्या मांग रहे हो तुम? अब मेरे पेट में ना कुछ चुभा, तो मैं बोली क्या चुभ रहा है? तो फिर उसने एक छुरी निकाल के दिखाई, कहने लगा ये चुभ रहा है, दे जल्दी। मैंने कहा क्या चीज़? तो उसने फिर मेरे उल्टे हाथ की अंगूठियाँ उतारी, फिर सीधे हाथ की, फिर बोला कानों के, तो कान का छेद भी मेरा बड़ा हो गया, तो एक कान के तो उन्होंने खींचे, एक के मैंने दोनों उतार के दिए। फिर बोला ये दो चूड़ी, मैंने कहा बेटा नकली है, तो बोला नकली दे दो। तो फिर पर्स तो मेरे पास होता ही है, पर्स भी छीना, फिर उसने मेरा गला तक का वो करके देखा कि चैन तो नहीं है, तो चैन भी थी मेरी। वाले ने कुछ नहीं मुड़ के देखा, और वो मेरे को ऐसे कर रहा था कि गंदी गंदी गाली इतनी दे रहा था कि मैं बता नहीं सकती। बोला अगर कुछ कहेगी चीखेगी तो मैं, ये बिल्कुल यहीं थी मेरे चुरी, तो बिल्कुल यहाँ मेरे चुभ भी रही थी, मुझे ये भी नहीं पता चला कब लगाई क्या हुआ। वो तो उसने निकाल के दिखाई कि ये है देख चुभ जो रहा तेरे। बोला चीखेगी चिल्लाएगी तो ये घुसा ही दूंगा। नहीं तो आपको लगता है कि रिक्शे वाले की भी मिली भगत थी? नहीं, ये जब तो ये वारदात कर रहा था तो आप बैठी रिक्शा में ही मौजूद थी ना? हाँ। फिर तो रिक्शे वाले को हो सकता है उसने छुरी लगा के पहले से ही वो कर रखा हो, डरा रखा हो, या कुछ उतर के नहीं आया हो। फिर मैं रिक्शे वाला 2-3 मिनट खड़ा रहा, फिर मैं चीखी, मैंने कहा बेटा जल्दी छोड़, मैं मर जाऊंगी, मेरे घर छोड़ दे, मेरे घर छोड़। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ तक आया एक्सपाज तक। राजधानी दिल्ली में लूट की वारदातें आम हैं, और इसी तरह से हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन बदमाशों की लूट का शिकार बनता है, और कई जगह ऐसा भी होता है कि लूटने के बाद भी लोग मार दिए जाते हैं। क्राइम का ग्राफ बढ़ क्यों रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या बेरोजगारी इसकी सबसे बड़ी वजह है, या फिर जो गैंगस्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कराने वाले, या फिर जो एडिक्टेड होते हैं, जो शौकिया अपने जो जुर्म की वारदातों को अंजाम देते हैं, ये काम वो कर रहे हैं? इसके ऊपर अंकुश लगाना और पूरी तरीके से जुर्म को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। नहीं तो दिल्ली की सड़कों पर जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ भी, और जहाँ कहीं लाइट्स भी हैं वहाँ भी ज़रूरत है हाई डेफिनेशन यानी HD क्वालिटी के CCTV कैमरे लगाने की, जो 24/7 यानी दिन में भी और रात में भी काम कर सकें, जो उस वक्त पे भी देख सकें जिस वक्त के पुलिस सो रही होती है लेकिन कैमरे की आंख वो जगी हुई होती है। और तभी मैं कहता हूँ कि ख़ासतौर से जो सीलमपुर का इलाका है या और दूसरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दूसरे इलाके हैं जहाँ पर इस किस्म की वारदातें हर दिन बढ़ रही हैं, उसके पीछे की वजह भी ज़रूर जाननी चाहिए। क्या लगता है आपको इस तरह की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं देखता हूँ इस रोड पे आके, कि जो रेड लाइट हमारी मेन है, ये जो सीलमपुर की रेड लाइट है, ये बदमाशों का एक ठिकाना है। वहाँ पर चैन स्कैनर और ये मोबाइल वाले और ये जो कुछ भी, ये जो अब ये मेरी भावज के साथ जो हुआ है, ये हादसा जो हुआ है, ये भी उस रेड लाइट की वजह से ही हुआ है। जो कुछ भी है वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर यहाँ पर जो ये लाइट नहीं है, यहाँ ये वारदात आज एक ही नहीं हुई है, डेली होती है। ये तो हमारी वजह थी जो हमने जीदारी करी और FIR कराई। और यानी कितने ही लोग होंगे जो लोग इनके साथ वारदातें हो जाती हैं और वो लोग FIR नहीं करते, मुकदमा दर्ज नहीं कराते? हमने कराई और हम थाने भी गए, हमने SHO साहब से भी मिले, और अब भी आगे कार्रवाई करेंगे और चाहेंगे कार्रवाई हो। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और पकड़े जाने चाहिए वो बदमाश जिन्होंने इस तरह की लूट की वारदात को एक महिला से, एक निहत्थी औरत से चाकू की नोक पर अंजाम दिया। मैं दिखा दूं आपको, सामने देख लीजिए जो पुलिस का बूथ बना हुआ है, यहाँ पर गाहे बगाहे पुलिस के जवान जो हैं वो पेट्रोलिंग करने तो नज़र आते हैं, PCR वैन दिखती है,
या मोटरसाइकिल पे इस तरह से जो आपको जवान दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ लोगों की भीड़ देख करके तो पहुँचे हैं, लेकिन पता नहीं उस वक्त कहाँ थे कि जब वो महिला निहत्थी औरत रिक्शा में बैठ करके अपने घर जा रही थी, जो अपने भाई के यहाँ से आई थी, जिसका तमाम गोल्ड और पैसा लूट लिया गया। बहरहाल इस परिवार ने हिम्मत तो की, लेकिन कहीं जाकर के उसको देखते हुए इन्होंने FIR दर्ज कराई। देखिए जो पुलिस वाले आए वो भी इस तरह से जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे उनका कोई काम ही नहीं बाकी बचा है। इससे पहले जब मैं यहाँ पहुँचा, लूट की वारदात के बाद से एक दो नहीं बल्कि कितनी बार ही PCR यहाँ से गुजर गई, नहीं जानना चाहते कि हुआ क्या था और किस तरीके से ये काम हुआ। देखिए सर, दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगाए थे दिल्ली दंगों में, ये एरिया जो है मौजूद था और शामिल था, क्योंकि दिल्ली दंगे इससे पीड़ित हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम दिल्ली दंगों से पीड़ित थी। और दिल्ली दंगे में जिन दंगाइयों ने पत्थरबाजी की और दंगे किए, उस दौरान दिल्ली सरकार के जितने भी कैमरे थे वो तोड़ दिए जाते हैं, उनको बर्बाद कर दिया जाता है। उसकी रिपेयरिंग की बात चल रही है और कैमरे बहुत जल्द लगेंगे इंशाल्लाह। यहाँ जैसे ही पता चला, वो दोनों SHO और ACP मौजूद थे, लेकिन मौजूद होने के बाद को एक उसको कहता है, एक उसको कहता है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ना मालूम सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा होता होगा, ये एक रईस राणा साहब के साथ नहीं हुआ, ना मालूम कितनी महिलाएं इस रोड से गुजरती होंगी, कितने रिक्शे चलते हैं, कितने लोगों को परेशान किया जाता होगा और कितने शराबी लोग यहाँ इस रोड से गुजरते हैं। देखिए फरहान भाई, ये तो हमारी फैमिली के साथ हुआ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे किसी के साथ ना हो। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर बैरिकेड लगवा है पुलिस का, लेकिन उस बैरिकेड के बावजूद यहीं आकर के छीना झपटी होती है। यानी बैरिकेड से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे ही रिक्शा पहुंची, महिला बैठी और उसमें वो बदमाश जो है वो 92 बनाकर चाकू की नोक पे चला गया। दिन में तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान रहते हैं, लेकिन रात में अक्सर यहाँ प्रॉब्लम रहती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त के साथ भी हुआ, इसमें महिला ही नहीं इसमें पुरुष भी हैं। क्राइम इसलिए बढ़ रहा है भाई, एक तो लाइट का कोई सुविधा नहीं, यहाँ पर अंधेरा रहता है, शाम तक 9 बजे तक तो यहाँ के जवान रहते हैं हमारे सीलमपुर थाने के, बाकी यहाँ लाइट वगैरह बंद ही रहती है, आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, बाकी पुलिस यहाँ कब तक लगी रहेगी? पुलिस हर वक्त कोई बैठी रहेगी यहाँ पर? अभी नहीं आप, अच्छा पुलिस कब तक बैठी रहेगी? चलिए आप थोड़ा सा आगे आइए जी, बताइए सर। अच्छा पुलिस क्यों नहीं बैठेगी? 24 पुलिस 24 पुलिस की 24/7 ड्यूटी नहीं है जो आप कह रहे हैं, पुलिस की कब तक लगी रहेगी? नहीं ड्यूटी तो है, कोई ड्यूटी 24 घंटे लगी रहेगी रोड पे। क्यों नहीं लगी रहेगी? थाने के अंदर रोटेशन का स्टाफ नहीं होता? नहीं स्टाफ होता है तो यहाँ रहता है, स्टाफ यदि चौकी सामने रहता है यहाँ पे स्टाफ। आइए मैं दिखाऊँ आपको, ये साहब जो आए हैं बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो क्यों लगी रहेगी 24 घंटे। और ये देख लीजिए सामने चौकी, इस वक्त में ये जो पुलिस बूथ है वो बंद पड़ा हुआ है, तो फिर इसका मतलब पुलिस बूथ बनाया ही क्यों है? नहीं पुलिस तो घूमती रहती है यहाँ पर, रहती नहीं है, गश्त लगाती है, मगर अंधेरा भी तो है, चालू हो जाए यहाँ पर और कैमरे चालू हो जाए। ये जो सीलमपुर रेड लाइट पर पुलिस की पोस्ट लगी हुई है, बैरिकेटिंग की हुई है और 10 मीटर की दूरी पर ये काम हो जाता है? वहाँ नहीं होता काम, इसी ये जो कट है ना, इस कट से इधर काम होता, उधर का काम नहीं होता कोई भी। ये सामने था, ये हमारे नीचे ढलान है सीट मार्केट का, यहाँ तक वारदात होती है खाली। तो आप लोग क्यों कुछ नहीं करते इसके लिए? करते हैं, शिकायत करते हैं, क्या करें बताओ, वारदात होती रहती है। वारदात हमारे कोने पर जूते वाले हैं गुलजार भाई, यहाँ से छीन के भग जाते हैं। घर में बानवी बनी है मेरी बावज के साथ, यहीं पे यहीं पर यहाँ यहीं बनी होगी, इस कट से उल्ली तरफ कट बनी, बता रहा हूँ ना मैं, ये रोज का काम है यहाँ। लेकिन आप तो पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं ना, बिल्कुल खुले तौर पे दे रहे कि पुलिस वाले रात भर क्यों रहेंगे, हर वक्त जगह क्यों रहेंगे? भाई क्लीन चिट नहीं दे रहा मैं, क्या दे रहे हैं फिर आप? ये देखो ये आगे हमारे जवान ये रात में घूम रहे हैं। बताइए ना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, बताइए। आपने तो क्लीन चिट दे दी तुरंत। नहीं क्लीन चिट कहाँ दिया है, मैंने जो मेहनत कर रही है स्टाफ, जो मेहनत करता वो बताइए मैंने तो। अच्छा स्टाफ क्या आते हैं, स्टाफ मेहनत करता हुआ दिखाई दे गया। हाँ कुल मिलाकर के ये एक बात ज़रूर है कि लोगों को भी समझना होगा, जागरूक होना होगा और ख़ासतौर से जो डार्क पॉइंट्स होते हैं, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, उसके बारे में अपने थाने के SHO को या आपका जो डिवीज़न स्टाफ होता है, आपका जो बीट स्टाफ होता है, चाहे आप किसी भी इलाके में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आप ज़रूर सूचित करें, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इस बात की भी ज़रूर ध्यान रखिए और तवज्जो दीजिए। और एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहता हूँ आपको, कहीं भी अगर ऐसा हो, खुदा न खास्ता किसी के साथ में कोई 392 की बात आती है सामने या फिर कुछ और लूट मार की बात आती है, उसको बिल्कुल छिपाइए नहीं, जाइए पुलिस को ज़रूर सूचित कीजिए। और बड़ी बात तो यह है कि पुलिस की जिम्मेदारी है ऐसी चीज़ हो ही ना, और दूसरी तरफ सरकार की भी, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं उन जगहों पर लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस आधुनिक युग में कम से कम अगर हाई मास्ट लाइट नहीं तो कम से कम
सीसीटीवी लाइट, एलईडी लाइट्स जगह जगह लग रही हैं, वो लगनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ सिलमपुर इलाके से इस खबर पर रात के इस पहर जुड़े, आप सबका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ।